Hello, my dear friends. My name is Mousmey Singhorai and I am a motivational speaker and a business consultant. So, दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है. सो बने रहिए वीडियो के एंड तक. दोस्तों आज का टॉपिक है कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक्स के ऊपर एंड मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी इसको सुधारने के लिए. देखिए जो फर्स्ट मिस्टेक हम करते हैं बच्चों को हम क्या करते हैं बचपन से ही, अरे यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ ये मत करो वो मत करो चोट लग जाएगी सर्दी हो जाएगा जुखाम हो जाएगा, सब नेगेटिव चीज़ है बोलते रहते हैं. लेकिन हम ये नहीं बोलते कि अगर उसने कुछ अच्छा किया है, हम ये नहीं बोलते हैं अरे बेटा तुमने कितना अच्छा किया है कितना बड़ा तुम बनोगे ऐसा कुछ. हाँ बीच बीच में बोलते हैं लेकिन यहाँ पर असली जो बात आ रहा है वो है आपको बात बात पर उसे रोकना टोकना नहीं है. ये जो हम करते हैं ना कि तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा खराब हो जाएगा ऐसा कुछ, उससे शायद आपको भी पता नहीं चलता है और बच्चे को भी पता नहीं चलता है. लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है उतना नहीं रह पाता है, धीरे 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 घटता रहता है. उसके माइंड में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो चुका होता है कि अरे मैं तो ये करूँगा तो ये हो जाऊँगा ये करूँगा तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ. लेकिन एक्चुअली में तो वो नहीं होता है और वो समझ भी नहीं पाता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा है, उसके वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना. सो देखिए हमको बच्चों के साथ एकदम ऐसे बिहेव नहीं करना है. वो जो भी करे करने दीजिए, ठीक है बच्चे हैं बच्चों को चोट लगेंगी ही, वो अगर खेलने जाएंगे चोट लगेंगी ही, वो अगर छोटे हैं तो उन्हें सर्दी जुखाम होगा ही, होता ही है ना, नेचुरली है. तो यहाँ पर ज़्यादा आपको रोक टोक नहीं करनी है कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है. दूसरा एक जो मिस्टेक हम करते हैं, बहुत से माता पिताओं का शिकायत रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, अरे तो ये पढ़ता ही नहीं इसको समझाओ कुछ, कुछ नहीं करता है कुछ नहीं पढ़ता है कितना भी पढ़ने बैठाओ नहीं पढ़ता है. ये जो है बहुत बड़ी गलती है. इससे तो और भी ज़्यादा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाता है जब आप लोगों के सामने बोलेंगे कि ये पढ़ता नहीं है इसको समझाओ कुछ. तब शायद हमको लग रहा है कि वो बच्चा है छोटा सा, लेकिन एक 5 साल को जब बच्चा होता है ना, हमारा अभी जो ब्रेन है हम जितना भी समझ पाते हैं वो बच्चा 5 साल के उम्र में 90% समझता है. सो प्लीज़ उनको बच्चा समझना बंद कीजिए एंड सही से बिहेव कीजिए. लोगों के सामने ऐसे नहीं बोलना है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी लोगों के सामने आपको एक्सपोज नहीं करना है उनके बारे में. एंड आपको अगर इसको सुधारना है कि वो पढ़ने बैठे तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि आप खुद पढ़ने बैठिए. आप जब खुद पढ़ने बैठेंगे मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं जो हाउसवाइफ्स है, ठीक है, हाउसवाइफ्स सिर्फ घर के काम के लिए तो नहीं है, और जो उनके पापा है तो वो भी सिर्फ ऑफिस के काम के लिए नहीं है, है ना. तो उनको क्या करना है उसको छोड़कर भी हमें तो कुछ तो करना चाहिए. जैसे हाउसवाइफ्स हो या उनके हस्बैंड्स हो, आप ऐसे कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं. आपको क्या करना है सिंपली जब भी पढ़ने का टाइम होगा या कुछ होगा, ज़्यादातर टाइम आप अपना सारा काम कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपको लगे कि बच्चे का पढ़ने बैठने का टाइम हो रहा है तब आप खुद भी बुक लेकर के बैठ जाइए. उसको मत बोलिए कि बुक लग कर के बैठो, उसको एकदम मत बोलिए. एकदम जब वो छोटा बच्चा होगा ना, मतलब जब कुछ भी नहीं समझता होगा तब से आप अगर ये शुरू करेंगे ना कि जब भी टाइम हो रहा है आप बुक लेकर के बैठ जा रहे हैं घंटे घंटों पढ़ रहे हैं एंड उसके बाद वो देख रहा है कि अरे मम्मी या पापा तो तभी से बैठी है बैठे हैं
एंड बढ़ रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा शायद ये। क्योंकि देखिए दोस्तों, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चों की नींव बचपन में ही तैयार होती है, बड़े होकर चेंज नहीं होता है। जो भी करना है आपको उन 5 सालों में ही तैयार कर देना है उनको, एंड उनके बाद तो वो खुद से रेडी हो जाएंगे। उनके बाद सिर्फ आपको उनके सर पर हाथ रखने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सिखाने वाली चीज़ है, जो जन्म से लेकर 5 साल तक है, उसमें आप जो जो भी सिखाना चाहते हो उसको ज़िंदगी में उस टाइम पर सिखाओ। जब बच्चा देखेगा कि अरे मेरे मम्मी पापा तो रोज़ पढ़ने बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा कि वो भी खुद पढ़ने बैठेगा, बहुत अटेंटिव हो जाएगा, आपके बिना बोले वो पढ़ने बैठेगा। आप मिलाकर देख लीजिएगा, अगर आप शुरू से करेंगे, जब वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर रहा है, अगर आप तब से शुरू करेंगे तब आपको मतलब रिजल्ट एकदम क्लियर दिखेगा। एंड जो बच्चे थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी से शुरू कीजिए एंड रिजल्ट देखिए कितना अच्छा होगा। बहुत से बच्चे होते हैं कि नहीं बैठना चाहते, लेकिन आपको भी उनके साथ बैठना है एंड उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। अरे तुम नहीं बैठ रहे हो, क्यों नहीं बैठ रहे हो, नहीं दिखाना है उसको गुस्सा कीजिए। थोड़ा दिन कंसिस्टेंट तो रहिए, क्योंकि आपके अंदर जो है गुस्सा है या कुछ भी है, वो सभी चीज़ें बच्चों के अंदर अल्टरनेट होती ही है ना। सो दोस्तों, अपना जो बिहेवियर है उसके ऊपर कंट्रोल रखे एंड बच्चों को सही तरीके सिखाए, ठीक है। सो दोस्तों, आज के ये जो 2 टिप्स थे मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, एंड और भी कुछ टिप्स है, शायद नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको वो सब टिप्स बताऊँ। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, आज की टिप्स बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए वो भी बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, कलीग्स के साथ, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, बिजनेस कंसल्टेंसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एकदम मुफ्त है, एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।